Hello QCL, hi everyone, it's me Bushra, how are you people? कैसे हैं आप? कल आपको स्पेशल कॉपी पेस्ट सारी चीजें पढ़ के बहुत मजा तो आया ही होगा, साथ में आज क्योंकि कंप्यूटर का सेशन ऑफ हुआ है और जीएस का सेशन है तो मैं आपकी बन गई हूँ जीएस गुरु। फ्राइडे सैटरडे में मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगी और आज हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थ्री और कल कुछ साथ में करवाऊंगी क्वेश्चंस। इसमें हम कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पे बात करेंगे और क्वेश्चन। पहले मैं आज भैरूलाल हमारे एक बहुत अच्छे क्लास के स्टूडेंट कहिए है ना, हमारे क्यूसीएल के स्टूडेंट हैं, तो उनके सबसे पहले मैं आज उन्हीं की क्वेरी पे बात करूंगी। पहले देखिए भैरूलाल जी, आपने कहा था कि हड़प्पा का बताया मैम, मोहनजोदड़ो का बताया आपने, कालीबंगा और लोथल के फाउंडर का या डिस्कवरर का, फाउंडर तो हो नहीं सकते, डिस्कवरर का, खोजकर्ता का नाम नहीं बताया। तो मैं आपको बताती हूँ, आज आपकी क्वेरी को लेके टॉपिक शुरू करते हैं, इसी से टॉपिक उठाते हैं। तो देखिए, जब हड़प्पा 1921 में डीआर सहानी, दयाराम सहानी जी के द्वारा खोजा गया, उसी टाइम पे हड़प्पा के बाद खोजा गया था लोथल। तो जाहिर सी बात है, जब लोथल, क्योंकि ये सब आपको दिख रहा है हड़प्पा इधर की और उधर ये मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो किसने किया था, किसने खोजा था, रखालदास बनर्जी 1922। तो कालीबंगा और लोथल उसी टाइम खोजे गए थे, एक साल बाद क्या खोजा गया था, मोहनजोदड़ो। जैसा ही मैंने बताया कि ट्विंस कैपिटल थी ये दोनों, बताया था ना, ट्विंस कैपिटल थी, तो इसके ऊपर उसके खोजकर्ता का नाम नहीं मिला है। लेकिन ये बात स्पष्ट मिली है कि जब हड़प्पा खोजा गया था उसी टाइम पे लोथल और कालीबंगा भी डिस्कवर हुआ था, और ये इधर लगता है आपको बताया राजस्थान हनुमानगढ़ है ना, पिछली वीडियो में भी डेफिनेटली मैंने हनुमानगढ़ी बोला होगा, लेकिन हनुमानगढ़ी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो हनुमानगढ़ में मैंने बताया आपको, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ा है कालीबंगा। बंगा क्यों कहते, बंगा चूड़ियां और ये मिट्टी से बनी होती थी, और बंग क्या कहते थे चूड़ी को, तो काली मिट्टी से और मिट्टी से बनी हुई चीजें वहां से प्राप्त की गई थी, मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें। तो खैर, अभी कहने की बात यह है कि लोथल और कालीबंगा ये खोजा गया था हड़प्पा के टाइम पर, तो किसने खोजा, दयाराम सहानी ने। इसके खोजकर्ता कौन हुए, दयाराम सहानी। तो अगर ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन कि लोथल या कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम बताइए, ना कभी नहीं आएगा, और आएगा तो आंख बंद करके टिक लगाइएगा दयाराम सहानी पर। समझ में आई बात, चलिए यहां से ले लेते हैं। अब देखिए, लोथल मैंने आपको कहा था एंशियंट और लार्जेस्ट पोर्ट था लोथल, बताया था इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ाई थी आईवीसी की, तो आपको बताया था कि एंशियंट पोर्ट या लार्जेस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल से पाया गया है। अब क्या क्या फैक्चुअल चीजें हैं, आप, मैंने आपकी जानकारी से टॉपिक की शुरुआत की है। तो अब ये जो लोथल है इसको देखेंगे, यहां से एक टर्म मिलेगी लिखी हुई आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है डॉकयार्ड, क्या आएगा डॉकयार्ड। तो पोर्ट सिटी को कहते हैं डॉकयार्ड, किसको कहते हैं, पोर्ट सिटी को, बंदरगाह वाले शहर को एक टर्म दी जाती है डॉकयार्ड। तो अगर ये लिखा आ जाए कि एंशियंट एंड लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट और एंशियंट पोर्ट ऑफ आईवीसी, सॉरी डॉकयार्ड ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आंख बंद करके बिल्कुल टिक किस पे लगाना होगा, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी, सबको लगाना है लोथल पर, किस पर, लोथल पर। अब भाई और क्या मिला, क्या क्या मिला है यहां बात कर लेते हैं। लोथल से मिला है एक कब्र में एक आदमी के साथ, यानी एक पुरुष के साथ एक स्त्री की डेड बॉडी, यानी दोनों आपस में कपल डेड बॉडीज, यानी
डेड बॉडीज मिली हैं, एक पुरुष एक एक मेल एक फीमेल, मेल फीमेल या पुरुष और महिला की, जो आपस में मतलब एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। और ये किससे मिला है? लोथल से। आप कहा नहीं जा सकता कि ये क्या सती प्रथा की बात थी, जो सती प्रथा में के चलते हो सकता है कि पुरुष का की डेथ हुई और महिला का वो कर दिया गया हो, है ना, सती कर दिया गया हो, ये भी नहीं कह सकते। ये पता ये भी हो सकता है कि भाई वो अपने पति से इतना प्यार करती हो या वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता हो, दोनों इतनी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो कि उसके बिना रह ही ना सकते हो, इसलिए एक कब्र में हो जाता है कि भाई मुझे तो मरना तुम्हारे साथ ही है, वो वाली बात हो जाती है ना। तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन एक कब्र से एक पुरुष और महिला की दोनों की लाश यानी डेड बॉडी मिली है साथ में। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? लोथल से अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब यहां से एक और क्या मिला है? तांबे का कुत्ता, तांबे का डॉग, क्या तांबा, तांबे का डॉग मिला है एक, कहां से? लोथल से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए, लोथल का मैंने आपको बताया था, चावल का साक्ष्य भी मिला है लोथल से, बताया था ना, बिल्कुल चावल का साक्ष्य मिला है। पर क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि ध्यान सुनिएगा, सर्वप्रथम सिंध घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से मिला, तो क्या लिखना है आपको? रंगपुर। कहां से? रंगपुर से। रंगपुर से लोथल का मिला है लेकिन सर्वप्रथम नहीं है। सर्वप्रथम सिंध घाटी सभ्यता से चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रही हूं, रंगपुर से। रंगपुर। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में धान या चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वो कहां से मिला? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा एक जगह का नाम है। तो क्वेश्चन कैसे घूम के आएगा, भारतीय इतिहास में चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कोल्डी हवा से। सर्वप्रथम कहां से मिला है? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन प्रश्न कुछ यूं आए कि सिंध घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कहां से? रंगपुर से। रंगपुर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल हो गई होगी। अब देखिए, अब आते हैं हम चहोदड़ो, नहीं पहले इसको ले लेते हैं, सुरकोटदा। सुरकोटदा क्योंकि लोथल भी गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है। सुरकोटदा ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप इसका सुन लीजिए। सुरकोटदा से, सुरकोटदा के बारे में सुन लीजिए कि सुरकोटदा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आता है, उसके बारे में क्या आता है? खेती करने के साक्ष्य। क्या मिले? खेती करने के साक्ष्य। ये चीज हो गई क्लियर। अब आते हैं बनवाली। बनवाली ये अब बनवाली पड़ता है हरियाणा में, आता है हरियाणा में ही आना चाहिए, नहीं अब इस बात पे आप मत जाइए हरियाणा में आता है या नहीं, इसको छोड़िए, बनवाली याद रखिए, क्योंकि जिस बात पर 100% श्योर ना हो उस पे अपना पॉइंट यानी टिक नहीं लगाना चाहिए। तो जिस बात पे हम 100% क्लियर नहीं है तो हम उस पे टिक नहीं, हम कभी भी उस पे हाँ नहीं करते हैं। बनवाली, बनवाली से क्या मिला है जी? वहां से मिला है आपका खिलौना, खिलौने का साक्ष्य मिला है। क्या था खिलौने में? एक हल, बच्चों के खेलने का छोटा सा हल। तो खिलौना बनाने का कहां से मिला है साक्ष्य? कहां से मिला है? बनवाली, बनवाली से मिला। और जौ, मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो मुख्य फसलें थी, गेहूं बार्ली एंड वीट, गेहूं और जौ, जौ बार्ली एंड वीट यानी जौ और गेहूं। तो जौ की सर्वप्रथम नहीं, सबसे बड़ी खेती जो पाई गई है, सबसे ज्यादा मात्रा में जौ की कहां से पाई गई है? बनवाली से। कहां से? बनवाली से। क्लियर हो गई बात? होप जानी चाहिए बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सुरकोटदा, ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान। कहां पड़ता है? सुरकोटदा पाकिस्तान। यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है आपका मनके बनाने का कारखाना,
मेकिंग बिट ऑफ मेकिंग बिट्स फैक्ट्री, मनके, मनके बनाने का कारखाना। मनका क्या होता है? धागे होते हैं मोटे मोटे, जो मालाएं वाला आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, ऑर्नामेंट्स का बहुत सजने सजने और सवरने का बड़ा शौक था मेल्स को, फीमेल्स को, तो जो कुछ मोती वोती पिरोते थे वो, तो मन के मोटे मोटे जो धागे होते हैं उनको कहते हैं मनका, कहते हैं धागे को। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है हमें? सुरकोटता, क्लियर हो? सॉरी, चहोदड़ो, माफ कीजिएगा, चहोदड़ो से मिला है। चहोदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। क्लियर हो गई बात? हो जानी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए ये आपका चहोदड़ो का हो गया। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी जो ऊपर बताने वाली थी, पर यहाँ पे मैंने क्लियर करती हूँ। हड़प्पा से मिले थे विनेट्री बॉक्स, विनेट्री बॉक्स मिला था, मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी, मेकअप, लिपस्टिक, विपस्टिक, सब कुछ। मेकअप के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से, कॉस्मेटिक्स के। लेकिन केवल केवल लिपस्टिक बनाने का साक्ष्य, केवल लिपस्टिक बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? चहोदड़ो से। हड़प्पा से वे पूरा विनेट्री बॉक्स मिला था, लेकिन ओनली ओनली, बार बार कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ओनली ओनली लिपस्टिक बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चहोदड़ो से। कहाँ? चहोदड़ो से। समझ में आई बात? आप देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। रोपड़, रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पड़ता है पंजाब। कहाँ पड़ता है? पंजाब। अब पंजाब में ये रोपड़ है, ये आपका एक बात करेंगे, हाँ, रोपड़ से आपको क्या मिला था? कुत्ते के साथ या आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, या कुत्ते के साथ आदमी को दफनाने का साक्ष्य। तो बात को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? एक आदमी और एक कुत्ते को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, मतलब आदमी के साथ कुत्ते की डेड बॉडी, पुरुष के साथ कुत्ते की डेड बॉडी। अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं होती है कि भाई ये जो आपका कुत्ते के साथ दफनाने का जो साक्ष्य मिला है, अब या तो कुत्ते की याद में आदमी ने जान दी पुरुष ने, या पुरुष की याद में कुत्ते ने जान दी, जो भी हुआ, बहरहाल एक पुरुष और एक कुत्ते को, दोनों को साथ साथ, दोनों का साथ दफनाई हुई डेड बॉडीज मिली हैं। कहाँ कहाँ मिली है? रोपड़ पंजाब से। अब देखिए एक और बात देखनी होगी आपको, धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है धोलावीरा? पाकिस्तान। धोलावीरा एक नए डिस्ट्रिक्ट, कितना कुछ बता रही हूँ आपको, पूरा चैप्टर को एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। धोलावीरा पाकिस्तान में है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है जलाशय। क्या मिला है? सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, बस ऐसे याद रखिए, सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय या बांध बनाने का, खेती के लिए बांध बनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? धोलावीरा से। समझ में आई बात? ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, धोलावीरा हो गया। इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? लिखाई जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, भाव चित्रात्मक थी। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लूंगी मैं, कि ब्रिक्स बनाने का साक्ष्य बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? ब्रिक्स बनाने का। मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग, लार्जेस्ट बिल्डिंग, जिसको मैंने कहा था ग्रेट बात, ग्रेट बात, कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से, यानी महास्नानागार। ये पक्की ईटों से बना हुआ था, ये कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो। तो पक्की ईटों का साक्ष्य कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। इसको याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ फैक्ट्स है जिन पे मुझे बात करनी थी। अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो अगर कहें माउंट ऑफ डेड बॉडीज नोन एज, यानी मृतकों का टीला किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे? मोहनजोदड़ो। किसको? मोहनजोदड़ो। कहाँ है ये? सिंध, पाकिस्तान, सिंध नदी के किनारे, किनारे बैंक ऑफ सिंध। ओके, अच्छा दूसरा एक और बात,
मैंने आपको लोहल ये लो, सॉरी माफ करें लोथल बताया था, लोथल बताया था। लोथल किस नदी के किनारे पर है? लोथल है भोगवा नदी के तट पर। किस पर? बैंक ऑफ भोगवा रिवर, बैंक ऑफ भोगवा रिवर, बैंक ऑफ भोगवा रिवर यानी भोगवा नदी के तट पर था क्या लोथल। अभी कहाँ है? गुजरात में। ये दोनों बातें क्लियर करवानी थी मुझे आपको, समझ में आई बात? तो अब मैं बात क्या कर रही थी, हाँ कि पहला क्वेश्चन लिया मैंने मृतकों का टीला किसको कहते हैं, जवाब बताया आपको मोहनजोदड़ो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को बताऊंगी, ये जो मृतकों का टीला है, क्वेश्चन नंबर टू, मृतकों का टीला ये किस जबान का किस लैंग्वेज की शब्दावली है। क्वेश्चन नंबर टू दोबारा सुन लीजिए कि जो मृतकों का टीला है ये किस जबान से लिया गया है, किस जबान की शब्दावली है। तो बताइए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, ईरानी, क्या है? तो याद रखिएगा सिंधी भाषा की शब्दावली है ये मृतकों का टीला। मेरी गारंटी है आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो गलत करके आ जाएंगे अगर मैं ना बताऊं तो, वो तो हिंदी ही समझेंगे, लेकिन सिंधी भाषा से लिया गया है। किससे? सिंधी भाषा से मृतकों का टीला, क्या मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंध घाटी में सबसे बड़ा पाया गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, यानी सिंध घाटी का सर्वप्रथम सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और अब देखिए एक और क्वेश्चन, भारत में यानी which largest site of India in Indus Valley Civilization, यानी कैसे बोलेंगे इसको, कौन सा सबसे बड़ी largest site है इंडिया में, जो अभी इंडिया में है, कौन सी सभ्यता में? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसको हिंदी में ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली साइट कौन सी थी, है ना? तो कौन सी जगह थी वो अब याद रखिएगा आप लोग, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ाया है आपको, राखी गढ़ी, ये है हरियाणा में, 100% लिख लीजिए, ठीक है? बनवाली को हरियाणा में नोट है तो हरियाणा में ही, पर नोट मत कीजिएगा, 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो बोलो वो डंके की चोट पर, तो ये होना चाहिए। तो राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा, ये आपकी लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या था ये? लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर इंडिया की बात ना करें तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पड़ता है? सिंध में। लेकिन जो भारत की अगर बात की जाए, जो अब भारत की सबसे लार्जेस्ट साइट है, तो वो कौन सी है आपकी? वो कौन सी है? राखी गढ़ी हरियाणा। क्लियर हो गई बात? बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने। अब एक और बात करेंगे यहां पर, हाँ एक और बात मैं सोच रही थी आप लोगों से की जाए, चले कल की वीडियो में करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कल की क्लास में करते हैं। कल कुछ ही क्वेश्चन लूंगी, नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं देख रही हूँ, 5-8-10 क्वेश्चन लेके कल आपका वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करने की पोजीशन में लगभग मैं आ गई हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें इसको। और प्लीज बी रेगुलर, अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो क्लासेस के शेड्यूल को प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। तो डेली बेसिस पे क्लासेस कीजिए, डेली बेसिस पे वीडियो क्लासेस लीजिए, अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी आप कुछ गेन कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? मेरा रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बड़ी क्वांटिटी में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लेवल पर, अच्छे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का हमें वेट बहुत है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे क्यूसीएल फैमिली में ऐड होने के लिए,
चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें हमारी ईमेल आईडी bushra@bushra ये बी ए के बाद जो बी आता है वो बी है bushra.sarthak@gmail.com। All the best, see you next meet tomorrow, thanks for watching।